दोस्तों वेलकम टू द वायरल मीडिया दोस्तों आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब दोस्तों हर बार हम देखते हैं कि लोग उस पर चर्चा करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब अच्छा है या प्राइवेट जॉब अच्छा है कौन सा जॉब करना चाहिए जो प्राइवेट में जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट में बहुत अच्छा जॉब है और जो कहो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं वो बोलते हैं कि प्राइवेट वाले जो जॉब कर रहे हैं उनकी लाइफ अच्छी है तो अभी उसमें एक्चुअली क्या डिफरेंस है दोनों जॉब में क्या डिफरेंस है कौन क्या क्या एडवांटेज है क्या क्या डिसएडवांटेज है वो सारे कैसेस हम इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाएंगे तो दोस्तों पूरा जानने के लिए मेरा जो वीडियो है पूरा देख लो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो जॉब सिक्योरिटी जो जॉब सिक्योरिटी है आपकी प्राइवेट जॉब में एज कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब थोड़ी कम रहती है सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब इज़ ए जॉब सिक्योरिटी बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर है सेकेंड इज सैलरी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों प्राइवेट जॉब में जो आप सपोज़ आपने बी किया है या डिप्लोमा किया है सपोज बी किया है तो बी टेक या बी इंजीनियरिंग करने के बाद आपको प्राइवेट जॉब में अराउंड थ्री लैक्स का सैलरी पैकेज और अराउंड थर्टी थाउजेंड रुपीज़ हम कंसिडर कर लेते हैं तो अराउंड थर्टी थाउजेंड रुपीज़ स्टार्टिंग सैलरी होती है लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अगर आप कुछ भी यू पी एस सी एम पी एस सी एम पी पी एस सी देर और सो मेनी एग्ज़ाम्स अगर आप उस एग्ज़ाम के थ्रू गवर्नमेंट में एंट्री करते हो तो गवर्नमेंट जॉब में आपको कम से कम स्टार्टिंग पैकेज जो है वो पचास हज़ार रुपीज़ पर मंथ का मिलेगा लेकिन दूसरी ये तो बात हुई स्टार्टिंग सैलरी की जो कि प्राइवेट जॉब में अराउंड थर्टी थाउजेंड है और गवर्नमेंट जॉब में अराउंड फिफ्टी थाउजेंड है जैसे कि हाँ पे लिखा है सैलरी इज़ लेस इन प्राइवेट जॉब सैलरी इज़ हाई इन गवर्नमेंट जॉब बट उसके बाद की जो ग्रोथ है वो प्राइवेट जॉब में थोड़ी ज़्यादा है अगर आपके पास नॉलेज है आपके पास स्किल है तो प्राइवेट जॉब में आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और गवर्नमेंट जॉब में कम होगी जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो सैलरी है थर्टी थाउजेंड और गवर्नमेंट जॉब में जो आपको सैलरी मिलती है एज़ पर नॉर्म्स मिलते हैं जैसे कि अभी से, से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेवेंथ पे एक को अप्लाई किया है तो सेवन्थ पे जब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सेवेंथ पे की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये जो पुराने ऊपर जो लिखा है नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड या फिफ्टीन थाउज़ेंड सिक्स हंड्रेड ये पुराने सिक्स पे के पे बैंक थे जिसको अभी सेवन पे में कंसिडर किया है अगर आप फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जो भी क्लास वन का स्पेस स्केल है अगर आप कुछ भी एग्जाम के थ्रू लगते तो अभी स्टार्टिंग जो है बेसिक पे वो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड में हो जाएगा उसके ऊपर एच आर ए उसके ऊपर डी ए तो बढ़ के अराउंड सिक्सटी के ऊपर जाएगा लेकिन हमने यहाँ पे ऑन एन एवरेज फिफ्टी थाउजेंड उसको कंसिडर किया तो ये सब सैलरी स्ट्रक्चर है क्लास टू क्लास वन सुपर क्लास वन दिस वे ओके okay. सो so, इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब में आपके जो पे स्ट्रक्चर है वो हर साल चेंज होते हैं जो भी फर्स्ट लाइन है उसमें आपको फर्स्ट ईयर के उसके बाद हर साल का इंक्रीमेंट उस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है देन रिस्पेक्ट अभी आप बात कर सकते हो कि अगर आपके सोसाइटी अगर आप सोसाइटी में रहते हो सोसाइटी में कोई जॉब प्राइवेट जॉब करने वाला है या फिर गवर्नमेंट जॉब करने वाला है तो ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट जॉब करता है उसकी रिस्पेक्ट जो सोशल रिस्पेक्ट है वो थोड़ी ज़्यादा रहती so, है सो सोशल रिस्पेक्ट इज़ लेस इन प्राइवेट जॉब एज कम्पेयर्ड विद गवर्नमेंट जॉब एंड सोशल रिस्पेक्ट इज़ हाई एज़ कम्पेयर्ड विद प्राइवेट जॉब इन गवर्नमेंट जॉब देन दूसरा है अदर फैसिलिटीज़ एंड बेनिफिट्स अभी इसमें क्या है गवर्नमेंट में जॉब में आपको सैलरी के साथ और क्या क्या मिलता है तो सपोज आप हायर पोस्ट पे तो आपको गाड़ी मिलती है आपको हाउसिंग मिलता है और गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर सेवेंटी एटी परसेंट लोगों को उनका हाउसिंग रूम्स मिल जाते हैं आपको पेंशन मिलता है फाइनेंशियल सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज फॉर रिलैक्स टाइप सो दीज आर द वेरियस अदर बेनिफिट्स एंड फर्क फॉर गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में क्या अदर बेनिफिट्स है तो प्राइवेट जॉब प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ बेटर फैसिलिटीज़ एंड यू कैन वर्क विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विथ हाईस्ट इंटरनेट स्पीड एंड विथ हाइस्ट फाइनेंशियल सर्विस सो ये जो बेनिफिट्स है वो प्राइवेट जॉब में मिलते हैं देन वर्क प्रेशर जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में तो वर्क प्रेशर थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर विथ प्राइवेट जॉब सो गवर्नमेंट एम्प्लाई लीव ए स्ट्रेस फ्री लाइफ देर इज़ नो टेंशन ऑफ वर्क बॉस एंड डेड लाइन्स एंड दे कैन नॉट दे कैन डू देयर वर्क इजीली एंड फ्रीली सो दैट इज़ अगेन एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब देन नेक्स्ट इज सिटीज जैसे कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो एम कंपनी में कर रहे हो तो बहुत सारी जो एम एन सी कंपनीज है मेट्रो सिटीज़ में लाइक दिल्ली चेन्नई बेंगलोर पुणे मुंबई ऐसी जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे एक कंपनीज़ होती है तो वहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ़ आप लिविंग है वो बहुत ज़्यादा होता है सपोज आप थर्टी थाउजेंड रुपीज़ पर स्टार्ट कर रहे हो और वहाँ पे आपको रहने के लिए कम से कम दस हज़ार रुपये बैंगलोर में या दिल्ली में या मुंबई में देना पड़ेगा तो उसमें से बाकी कितना बचता है आप देख ले सकते हो लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब है आपको एनी इन इंडिया उसकी लोकेशन होती है तो आप रूरल एरिया में रह सकते हो आप अर्बन एरिया में रह सकते हो सो डिपेंड ऑन जो कॉस्ट रहती है रूरल एरिया की आपकी जो चीफ रहेगी सो लिविंग इज चीफ इन रूरल एरिया देन कैजुअल ल्यूज मेडिकल ल्यूज एंड हॉलीडेज जैसे कि आप सबको पता है गवर्नमेंट जॉब में कैजुअल लीव मेडिकल लीव एंड जो हॉलीडेज रहती है सॉरी पूरे साल की वो ज्यादा रहती है एज कम्पेयर विथ प्राइवेट जॉब दे इन वर्किंग आवर्स इन गवर्नमेंट जॉब देर आर स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स अनलाइक प्राइवेट सेक्टर्स वेयर एन इंडिविजुअल टू डू ओवर टाइम अगेंस्ट वंस विशेष मेनी टाइम्स विदाउट एनी बेनिफिट एज वेल सो so, ये सारी चीज़ें प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा जा, बार हो जाती है कि आपको विदाउट एनी बेनिफिट टू डू एक्स्ट्रा और ओवर टाइम लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में आपको एक स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है एट टू टेन आवर्स उतना ही काम करना है देन ऑन साइट अपॉर्चुनिटी उसका मतलब है कि अगर आपको यूएस यू के या फिर बाहर की कंट्री में जो अपॉर्चुनिटी ऑन साइट की मिलती है वो जो प्राइवेट जॉब में उसके चांसेस मिलते हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसे कोई चांसेस नहीं है देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्राइवेट जॉब की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जैसे कि आपके एक एप्टीट्यूड रहेगा जीडी रहेगा ग्रुप डिस्कशन रहेगा टेक्निकल इंटरव्यू एचआर इंटरव्यू जो एक प्रोसेस है वो फॉलो करते और वो फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन गवर्नमेंट जॉब में बहुत लेंदी प्रोसेस होती है पहले एग्जाम होगी चार महीने बाद रिजल्ट लगेगा प्री एग्ज़ाम होगी चार महीने बाद रिजल्ट लगेगा मेन्स एग्जाम होगी आठ महीने बाद रिजल्ट लगेगा उसके बाद इंटरव्यू होगा उसके बाद दो महीने बाद रिजल्ट लगेगा तो एक प्रोसेस खत्म होते होते एक से डेढ़ साल निकल जाता है तो जो गवर्नमेंट जॉब की जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी एंड स्लो होती है सो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जैसे कि पैरामीटर सोशल रिस्पेक्ट जो है गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा प्राइवेट जॉब में लेस ग्रोथ गवर्नमेंट जॉब में लेस प्राइवेट जॉब में ज़्यादा सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में हाई प्राइवेट जॉब में लेस कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा है प्राइवेट जॉब में लेस ऑन साइड अपॉर्चुनिटी ना के बराबर है प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में ज़्यादा एंड प्रोसेस इज लेंदी एंड यहाँ पे सिंपल एंड फास्ट सो इस तरीके से आप सोच समझ सकते हो कि अभी आपके पास आपको कौन सा जॉब ज्वाइन करना है गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब क्योंकि दोनों सेक्टर के अपने अपने एडवांटेज है दोनों सेक्टर के अपने अपने डिसएडवांटेज हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब